नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो भाई AIITT से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे और यहाँ पर जो है DGT से डायरेक्टली मैंने बात की है, आज ही बात की है और उनकी कॉल रिकॉर्ड कर ली है। आप लोग जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने बन के उनसे बात की और आप लोगों के जो दो तीन सवाल थे उनसे पूछने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने मुझे जवाब भी दिया है। तो बढ़ते हैं और सुनते हैं उनकी बातों को, क्या उन्होंने बोला और क्या उनसे मैंने क्वेश्चन किया है। हेलो हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ नमस्कार सर, जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। सर मैंने एक AIITT का स्टूडेंट हूँ और मैंने ना 111 में एग्जाम जो है दिया है, बट मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो मुझे बस ये पूछना है कि मैं जो है अब ये जो 112 का नॉन IIT का एग्जाम होगा AIITT का, मैं मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा या मुझे पास कर देंगे? आपका रिजल्ट प्रैक्टिकल के बेस पे प्रोसेस किया जाएगा। तो अगर मान लो फेल हो जाता है कोई बच्चा तो उसको प्रैक्टिकल के बेस पे ही जो जज किया जाएगा? हाँ प्रैक्टिकल के बेस पे। इन केस कोई बच्चा सर एग्जाम ही नहीं दे पाया 111 का, तो उसकी सिचुएशन क्या है? नहीं दे नहीं पाया, अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम में अगर अप्लाई किया होगा तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। नहीं, अगर बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाया 111 का तो उसे भी प्रैक्टिकल के देखते ही जज किया जाएगा या फिर उसका एग्जाम? नहीं नहीं, उसने दे नहीं पाया, किस वजह से दे नहीं पाया? उसने अप्लाई करके आना चाहिए, उसने अप्लाई किया होना चाहिए पोर्टल में। पोर्टल में अगर अप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट उसी तरह से डिक्लेयर होगा जो वो अमेरिका है। अब सर जी अगर क्या बोलते हैं, बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया तो रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम के लिए अप्लाई तो किया होगा ना, एग्जाम नहीं अप्लाई चल किया है, अप्लाई किया है तो क्या? और नहीं दिया उसने, और नहीं दिया टीटी में एब्सेंट है तो ठीक है, उसका प्रैक्टिकल उसका भी सेम रूल है प्रैक्टिकल के बेस पे। ठीक है, और अगर अप्लाई नहीं किया होता सर उसने? अप्लाई किया नहीं, एग्जाम के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है। नहीं ये अप्लाई नहीं किया तो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू? नहीं नहीं, अप्लाई नहीं किया तो नहीं प्रोसेस होगा, अगले इसमें आना पड़ेगा। तो फिर 112 में उसका एग्जाम होगा? राइट राइट राइट। ओके, और बाकी दोस्तों आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन ली होगी और मैंने जो क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट के व्यक्ति से पूछे मैं इनको बता भी देता हूं आप लोगों को और इनका जवाब भी बता देता हूं अगर आपको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आया तो। सबसे पहले मैंने इन लोगों से पूछा कि इन केस अगर कोई बच्चा AIITT के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है 111 में तो उसका क्या होगा? तो इन्होंने बोला, ये जो व्यक्ति हैं कस्टमर केयर वाले AIITT के, इन्होंने बोला कि उसका प्रैक्टिकल के बेस पे जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अब इन्हीं के वर्ड हैं, इसी तरीके से इन्होंने बोला। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा इन लोगों से कि इन केस कोई बच्चा पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर पाया और जो है उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो ये बोल रहे हैं कि उसका एग्ज़ाम होगा नॉन IIT वाले बच्चों के साथ, AIITT 112 में उसको बैठना पड़ेगा। और एक और बात, जिन बच्चों ने पोर्टल पे अप्लाई किया था 111 में अप्लाई किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको प्रैक्टिकल के बेस पे जज किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन मैंने इन लोगों से पूछे। इनकेस अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जो है फिर इनको कॉल करके दोबारा पूछूंगा। और एक सवाल का और जवाब मैं दे दूं, जिन बच्चों ने अभी जो है ये जो 111 के आप लोगों के एग्ज़ाम हुए, जो बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं थे, जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया इसका मतलब एलिजिबल ही नहीं थे एग्ज़ाम देने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो भैया उनको प्रैक्टिकल के बेस पे ही जो है ये लोग जज करेंगे। प्रैक्टिकल के बेस पे इनका सर्टिफिकेट मार्कशीट जो जनरेट होता है वो होगा। तो ये तो क्लियर है, बाकी आई होप कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। और रिज़ल्ट के लिए फैब एंड तक आप लोग वेट करो, रिज़ल्ट जैसे ही आता है मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए।